हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम चंद्रिका गुप्ता है और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वेस्टीज ड्यू गार्डन का डेमो, और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगी कि वेस्टीज ड्यू गार्डन मार्केट के ब्रांड से क्यों अच्छा है, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक लिया है वेस्टीज ड्यू गार्डन का सैनिटरी नैपकिन, और यहाँ पे मैंने लिया है मार्केट का ब्रांड जो कि बहुत ही पॉपुलर है, राइट? तो आज हम इसी का डेमो करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये खोल के दिखाऊंगी कि इसमें और हमारे ब्रांड में क्या फर्क है। सबसे पहले आज हम इसको साइज वाइज देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे ये चिपका दिया है, और दूसरा मैं अब लूंगी वेस्टीज का, इसको भी मैंने खोल दिया है, और मैं इसे अब यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ। ये आप देख लीजिएगा साइज वाइज कितना फर्क है, राइट? तो सबसे पहले तो अगर आप लेंथ देखते हो तो हमारा पैड काफी बड़ा है, ये हमने यहाँ पे चिपका दिया, और दूसरा ये है अदर ब्रांड का, इसको भी हमने चिपका दिया है, राइट? तो आप खुद ही देख रहे हो कि लेंथ वाइज हम इसे कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये भी एक्स्ट्रा लार्ज है, बट लेंथ में हमें समझ में आ जा रहा है कि कौन सा एक्स्ट्रा लार्ज है, राइट? अब ये मैंने लिया है पानी और इसमें डाला है नील, नील इसीलिए डाला है ताकि जब ये कलरफुल होगा तो हमें दिखाई देगा। अब हम इसको यहाँ पे पोर करेंगे, पानी को हमने डाला है, राइट? ये मैं सारा पानी यहाँ पे डाल रही हूँ, बिकॉज डे वन डे टू में हमें हैवी ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से काफी ब्लड हमारा लॉस होता है, और हमने यहाँ पे डाला है। अब आधा पानी मैंने यहाँ पे मैं इसे डाल देती हूँ, सो दैट आपको समझ में आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रेड बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हमारे कपड़े खराब होने का डर हमेशा लगा रहता है, राइट? मैंने इसी तरीके से पानी वहां भी डाला था, लेकिन यहाँ पे हमें स्प्रेड होने का खतरा हमेशा लगा रहता है। मैंने यहाँ पे पानी ज्यादा डाला, यहाँ पे कम डाला है। अब मैं आपको दोनों में फर्क दिखा देती हूँ। मेरा हाथ देखिए, दोनों भी ड्राई हैं। मैंने यहाँ पे हाथ रखा, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, राइट? मेरा हाथ पूरा गीला हो गया, यहाँ तक कि ड्रॉप ड्रॉप पानी जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे हाथ रखा है, ये देखिए, ये देखिए, राइट? तो पहला फर्क तो हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स है। ये पानी क्यों नहीं सोख रहा है? ये पानी इसीलिए नहीं सोख रहा है क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक में ही पानी नहीं सूखता है, और यहाँ पे ये पूरा कॉटन है, ये कॉटन है। तो अब मैं इसमें और भी पानी डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं ये सारा पानी सोख लेगा। अब मैं यहाँ पे भी डालूंगी, यहाँ पे पानी लेने के लिए उसमें जगह ही नहीं है, सब पानी स्प्रेड हो गए, ये पानी पूरा ऊपर आ गया। फिर से वही, ये आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी क्या हालत हो गई है, और यहाँ पे आप देखो। तो पहला फर्क तो ये होगा कि ये सोकिंग इसमें बहुत ज्यादा है, रीजन ये है कि यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे प्योर कॉटन है, राइट? अब हम इसको थोड़ा खोलेंगे, इसके अंदर क्या क्या लेयर्स है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कॉटन है, कॉटन है, तो आपको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक लेयर हो गया है, इसको आप पूरा कट करके देखोगे ये कॉटन के जैसे फट रहा है, राइट? इसके बाद इसमें एक है ग्राफीन ऑनियन चिप, जो कि हमें मॉइस्चर रखता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना इचिंग की प्रॉब्लम होगी, राइट? अब हम इसको खोलेंगे, ये देखिए, ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स प्लास्टिक है यहाँ पर, देखो ये प्लास्टिक है। अब मैं आपको प्रूफ करूंगी कि प्लास्टिक है, ये मैं कह रही हूँ वो कैसे होता है, राइट? ये हमने यहाँ से निकाल दिया है,
सेकेंड, इसमें कोई चिप वगैरह नहीं होता है, ये भी पूरा प्लास्टिक है, फट भी नहीं रहा है, राइट। अब इसका ये जो थर्ड लेयर है, ये भी पूरा का पूरा कॉटन है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये भी कॉटन है। मैं बार बार बोल रही हूँ कॉटन है कॉटन है, और आप देख रहे हो ये पूरा गीला था। तो अब मैं इसको आपको देखो, अगर कोई चीज कॉटन होगी तो वो फटाक से जल जाएगी, और अगर कोई चीज प्लास्टिक होगी तो वो नहीं जलेगा, राइट। देख रहे हो आप, ये कॉटन है इसीलिए ये फटाक से जल गया, राइट। अब हम यही चीज यहाँ पर देखेंगे जो हमने अदर ब्रांड के निकाला था। अगर ये कॉटन होता तो ये फटाक से आग पकड़ लेता, बट ये कॉटन नहीं है, ये देखो प्लास्टिक की तरह जल रहा है, राइट। प्लास्टिक हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जेल में कन्वर्ट हो गया है, जो पानी मैंने डाला था ये सारा का सारा जेल में कन्वर्ट हो गया है। अब इस जेल को मैंने क्या करा, इस ग्लास में डाल दिया, जितना भी पानी मैंने डाला था ये सारा जेल में कन्वर्ट हो गया, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैं ये डाल के आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसके अंदर अभी और भी कैपेसिटी है पानी सोक करने की। ये मैंने और पानी डाल दिया, ये अभी और भी पानी सोक सकता है, ये सब कुछ जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको क्या, एक भी ड्रॉप पानी है, कुछ भी नहीं है। वेयरहेस अगर हम इसे, इस जो कि जेल भी नहीं है, इस कपड़े को या इस चीज को हम डालेंगे तो ये पूरा पानी नहीं सोखेगा। आप चाहे 10 घंटे रख लो तब भी नहीं सोखेगा, फिर से ये अगेन प्लास्टिक आ गया है। अब हम कहते हैं कि ये जेल में, इस जेल को हमने डाल दिया है, सोख किया है। इस अगर आप चाहें तो इस पैड को कभी गलती से आपने थ्रो कर दिया या फिर फ्लश कर दिया, तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ये नमक है, मैंने ये नमक यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करेगा, ये जो जेल फॉर्म है इसे मैंने मिक्स कर दिया, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ये सारा का सारा पानी बन जाएगा। और पानी बन गया तो डेफिनेटली ये हमारे फ्लश के थ्रू निकल जाएगा, आपने कभी गलती से डाल भी दिया है तो। थोड़ी देर में ये सारा का सारा यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा और फिर से पानी बन जाएगा। दैट मीन्स हमारा ये जो कॉटन है ये पूरा ब्रीदेबल है, ये जो ग्राफीन अनियन चिप है ये हमें कोई तरह का नुकसान नहीं देगा, ये इनफैक्ट हमें मॉइस्चर रखेगा, कोई इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्रीदेबल है कॉटन। हमेशा से हमें पता है, हमने बहुत बचपन से देखा कि कॉटन हमारे लिए अच्छा होता है, राइट। ये देखिए दोस्तों, ये अब पूरा पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। और अगर आप कॉस्ट वाइज बात करते हैं तो ये भी आपको मार्केट में 250 के आसपास मिलता है, ये भी आपको 250 मिलता है। ये आपको 10 पैड्स देते हैं यहाँ पे, 6 नाइट्स के लिए और 3 डे के लिए। तो हमें डेफिनेटली ये पैड यूज करना चाहिए, दिस इज गुड फॉर अवर हेल्थ, हमारे हाइजीन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप सभी से कहूंगी कि आप भी इसे यूज करिए, आपके घर में जितनी भी आपकी लेडीज हैं उन्हें भी आप यही यूज करने के लिए कह सकते हैं। ये देखो ये पूरा पानी बन गया, थोड़ी देर और रखोगे तो ये पूरा पानी का पानी बन जाएगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।